शो ऑफ नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लग्जरियस लाइफ दिखानी है कि आप अमीर हैं, आप कर्जे में नहीं हैं, बट शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन क्या करना है आगे, क्या देखूं, अपना स्तर, जिस स्तर पे आप हो उसको गिराना भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कर्जे में आ गए ना तो वो ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, लोगों को पता ना चल जाए मैं कर्जे में हूं, तो क्या हो रहा है, वो दिखावा करने के चक्कर में एक नया पैरामीटर टच कर जाते हैं और फिर लोग हर बार उनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी लेवल पर रहेगा, लेकिन क्योंकि वो कर्जे में है तो वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा और फिर जब वो गिरेगा तो पूरी तरह से गिर जाएगा। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर्जे में नहीं हूं, लेकिन बताना भी नहीं है कि मैं कर्जे में हूं। कई लोग करते हैं, कई लोगों का ये तरीका है, अगर वो कर्जे में या नुकसान में होते हैं तो क्या करते हैं, वो बड़ी पार्टी कर देते हैं, कभी कभी वो कोई नया घर ले लेते हैं छोटा मोटा, बट ये बड़े लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है उनको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे ये देख करके, ऐसा ना हो मेरे इन्वेस्टर के सामने नेगेटिव इमेज चली जाए मेरी, वो उनका ठीक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है समझ में आता है, लेकिन आप कोशिश करें अपने स्तर को मेंटेन रखें, ना तो शो ऑफ करें बहुत ज्यादा, लेकिन गिराना भी नहीं, अपना स्तर नहीं गिरा लेना है, अपने खर्चे जो आपको लगता है जरूरत के, आपके कपड़े, आपका स्टाइल, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कमी आएगी तो यकीनन लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि आप कर्जे में तो हैं ही, आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, आपके पास सोल्यूशन नहीं है। और जब सामने वाले को पता चल जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम है और सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन देने वाला व्यक्ति भी आपसे किनारा करने लगता है, क्यों, क्योंकि गिरती हुई दीवार से हर कोई दूर रहना चाहता है, उसको लगता है कहीं दीवार मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो किसी भी व्यक्ति को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव मैसेज है।